अब हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड टेस्टिंग। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स में जब कोड आपने लिख लिया, फिर आप उस कोड को चेक कर रहे हो कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, कहीं सेमी कॉलन मिस तो नहीं है, कहीं सिंटेक्स में कोई एरर तो नहीं किया है, कोई लाइन मिस तो नहीं कर दी है हमने। तो इसे बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। यानी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप पूरे कोड को चेक कर रहे हो कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं हुई है। जबकि डायनामिक एनालिसिस में क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसके आउटपुट को चेक करते हो कि इसके आउटपुट में जो आई है वैल्यू वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं आई है तो आप क्या करोगे, इसमें चेंजेस करोगे कोड में और वापस उसको एग्जीक्यूट करोगे। ये रिपीट कब तक करते रहोगे, जब तक कि करेक्ट आउटपुट नहीं मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस में यही होता है कि बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो टेस्टिंग की जाती है वो कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस, और आफ्टर एग्जीक्यूशन जो आप आउटपुट में टेस्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं डायनेमिक एनालिसिस। जिसको अगर हम फिगर से देखें, तो आप कोडिंग लिखते हो, कोडिंग लिखने के बाद स्टैटिक एनालिसिस करते हो। जब स्टैटिक एनालिसिस हो जाती है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर या कोई लाइन मिसिंग नहीं होती है, कोड करेक्ट लिखा हुआ होता है, तो उस केस में फिर आप क्या करते हो, डायनामिक एनालिसिस करते हो, यानी उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट चेक करते हो। अगर रॉन्ग आउटपुट आ रहा है तो आप कोडिंग में वापस चेंजेस करते हो, फिर से स्टैटिक एनालिसिस करते हो, फिर डायनामिक एनालिसिस करते हो। ये स्टेप कब तक रिपीट हो जाता है, जब तक कि करेक्ट आउटपुट नहीं मिलता है। तो पहले हम देख रहे हैं स्टैटिक एनालिसिस क्या है। इट इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू द कोड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एनी पॉसिबल डिफेक्ट इन द कोड। तो हम क्यों करते हैं स्टैटिक एनालिसिस, कि हम चेक करते हैं कोड में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। दिस मे बी द टेस्टिंग यू आर डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम एट योर कोडिंग। ठीक है, आप हमेशा ये कोडिंग करते हो, जब भी आप कोडिंग लिखते हो, कोडिंग लिखने के बाद आप ये स्टेप हमेशा करते हो। वाइल कोडिंग देयर मे बी ए लॉट ऑफ टाइपिंग एरर्स, सिंटेक्स एरर, लूप स्ट्रक्चर एरर, कोड टर्मिनेशन। ठीक है, दिस शुड बी फिक्स्ड बाय इंस्पेक्टिंग थ्रू रीडिंग ऑफ योर कोड। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो आप उसमें या तो कोई टाइपिंग एरर कर देते हो, ठीक है, या कोई सिंटेक्स एरर करते हो, या लूप्स में आप इस टाइप का कोड लिखते हो कि वो इनफाइनाइट लूप चला जाता है, कोड टर्मिनेट ही नहीं होता है। तो इस टाइप की जो एरर्स होती हैं, इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, अपने कोड को रीड करके। प्रोग्राम विल रन ओनली आफ्टर क्लियरिंग ऑल द कोड डिफेक्ट्स बाय स्टैटिक एनालिसिस। और जब स्टैटिक एनालिसिस हो जाती है, तभी आप उसको प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, नहीं जब तक एरर्स रिमूव नहीं होते, तब तक आप उस प्रोग्राम को जो है रन नहीं कर सकते। जैसे आप कंपाइलर यूज करते हो C++ में या C में, तो जब तक आपके प्रोग्राम में एरर्स होते हैं, सिंटेक्स एरर्स होते हैं, तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो ये वही है कि जब तक आप उसकी एरर्स रिमूव नहीं कर लोगे, तब तक आप उसको रन नहीं कर सकते हो। स्टैटिक एनालिसिस इज डन इन ए नॉन रन टाइम एनवायरमेंट, विच इज जस्ट व्हेन द प्रोग्राम इज नॉट रनिंग एट ऑल। तो स्टैटिक एनालिसिस कब की जाती है, जब हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा होता है, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। स्टैटिक एनालिसिस इज डन आफ्टर कोडिंग एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग यूनिट टेस्ट। तो कब करते हैं, कोडिंग करने के बाद और बिफोर एग्जीक्यूशन। स्टैटिक एनालिसिस कैन बी डन बाय मशीन टू ऑटोमेटिकली वॉक थ्रू दी सोर्स कोड एंड डिटेक्ट सिंटेक्स एरर, एग्जाम्पल कंपाइलर विच फाइंड दीज एरर्स। तो स्टैटिक एनालिसिस को हम ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं यूजिंग एनी मशीन और यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर जो इसके सिंटेक्स एरर्स को या डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को फाइंड आउट कर पाए। तो जैसे हम कंपाइलर का यूज करते हैं, तो कंपाइलर स्टैटिक एनालिसिस ही करता है हमारे कोड की। वो हमारे पूरे कोड को रीड करता है और डिटेक्ट करता है कि क्या क्या एरर्स आपने अपने प्रोग्राम में किए हैं। स्टैटिक एनालिसिस कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय अ पर्सन हु रिव्यू द कोड टू इंश्योर प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम। तो जो स्टैटिक एनालिसिस है, कोई पर्सन भी कर सकता है आपके प्रोग्राम, आपके कोड को रिव्यू करके,
जिससे जो आपको इंश्योर करेगा कि आपने प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशन यूज करके अपना प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है. एडवांटेजेस क्या है, इट कैन पॉइंट आउट द एग्जैक्ट स्पॉट इन कोड वेयर देयर इज एन एरर सो यू कैन इजीली फिक्स इट. तो जैसे आप कंपाइलर से कंपाइल करते तो आपको एग्जैक्ट लाइन पता चल जाती है कि आपने इस लाइन में एरर की है. तो ये एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट स्पॉट बता देता है कोड में कि कहां पर एरर आई है. वीकनेस आर फाउंड अर्लियर इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इट. तो पहले ही हम पता कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है. तो इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि इस एरर को ठीक करना है, जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. उसको फिक्स करने के लिए, उसको ठीक करने की कॉस्ट जो है वो बच जाती है. यूनिक डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड दैट कैन नॉट और हार्डली डिटेक्टेड यूजिंग डायनामिक टेस्ट लाइक अनरीचेबल कोड, वेरिएबल यूज, अनडिक्लेयर्ड, अनयूज्ड, अनकॉल्ड फंक्शंस. तो यूनिक डिफेक्ट्स यहाँ पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो डायनामिक टेस्ट में नहीं हो सकता है. जैसे ऐसा कोई कोड जो रीच ही नहीं हो रहा है, अगर आपने कोई वेरिएबल अनयूज किया है या अनडिक्लेयर किया, उसके डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, या कोई ऐसा फंक्शन बनाया जिसको आपने कॉल नहीं किया, तो इस टाइप के एरर्स हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. लिमिटेशन क्या है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग इफ कंडक्टेड मैन्युअली. तो अगर आपने मैन्युअली इसको करने की कोशिश की तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा. ऑटोमेटेड टूल्स प्रोवाइड फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स. तो जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो वो गलत रिजल्ट्स भी दे सकते हैं हमें. हो सकता है कि जो उसने बताया हो, वो जो उसने बोला है कि गलत है वो सही हो, जो सही बोला है वो गलत हो, ऐसा भी हो सकता है. फॉल्स, देयर आर नॉट इनफ ट्रेन्ड पर्सनल टू थ्रोली कंडक्ट स्टैटिक कोड एनालिसिस. तो ऐसे ट्रेन्ड पर्सन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं जो डिटेल में स्टैटिक कोड एनालिसिस कर सकते हैं. स्टैटिक एनालिसिस नॉट गोइंग टू कैच सोर्स ऑफ द रन टाइम एरर्स दैट डायनेमिक एनालिसिस. तो स्टैटिक एनालिसिस में हम रन टाइम एरर्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हमें डायनेमिक एनालिसिस करनी ही होती है. डायनामिक एनालिसिस इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड एंड एनालाइजिंग द आउटपुट. तो डायनामिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसके आउटपुट को एनालाइज करते हैं. इन डायनामिक एनालिसिस यू नीड टू चेक यूअर प्रोग्राम आउटपुट वेदर इट इज डिजायर्ड आउटपुट और नॉट. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो प्रोग्राम आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं है. रन द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट, देन विल डू द नेसेसरी चेंज इन कोड इफ रिक्वायर. तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट को चेक करते हैं, अगर हमें लगता है कि कोड में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो हम उसको चेंज करते हैं. डायनामिक एनालिसिस इज डन जस्ट व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग. और कब करते हो, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब हम डायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं. और डायनामिक टेस्ट विद मॉनिटर सिस्टम मेमोरी फंक्शन बिहेवियर रिस्पॉन्स टाइम एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस सिस्टम. तो डायनामिक टेस्ट में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि सिस्टम की कितनी मेमोरी यूज की हुई, फंक्शंस प्रॉपरली हुए कि नहीं, रिस्पॉन्स टाइम कैसा मिला, परफॉर्मेंस ऑफ दी सॉफ्टवेयर कैसा मिला, ये सब चेक किया जाता है डायनामिक एनालिसिस में. एडवांटेजेस क्या है, इट आइडेंटिफाई एरर व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग. तो ये प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तब हम एरर फाइंड आउट कर पाते हैं, और जबकि स्टैटिक में जब प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता है तब फाइंड आउट करते हैं. इट अलाउज फॉर एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन इन विच यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द एक्चुअल कोड. तो आप उन एप्लीकेशन को भी एनालिसिस कर सकते हो जिसका आपको कोड नहीं पता हुआ है. आपको तो सिर्फ रन करना है, आपको क्या कोडिंग की हुई है इससे कोई मतलब ही नहीं है. तो जिसका एप्लीकेशन का आपको एक्चुअल कोड प्रोग्राम नहीं पता होता है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो डायनामिक एनालिसिस करके. इट फाइंड्स एरर्स दैट आर नॉट फाउंड बाय स्टैटिक एनालिसिस. तो स्टैटिक एनालिसिस में जो रन टाइम एरर्स नहीं फाइंड आउट हो पाते हैं उनको हम डायनामिक एनालिसिस में करते हैं. लिमिटेशंस क्या हैं, इट टेक्स लॉन्गर्स टू फिक्स एरर बिकॉज इट कैन नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट द एरर्स लाइक स्टैटिक एनालिसिस कैन. तो यहाँ पर जो है हम टाइम ज्यादा लगता है एरर्स को फिक्स करने में, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती कि कहाँ पर एरर आया हुआ है. तो इसीलिए स्टैटिक एनालिसिस में जो है हम एरर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं, जबकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है. ऑटोमेटेड टूल्स दैट डायनेमिक एनालिसिस हैज डू नॉट डू एवरीथिंग, दे जस्ट डू व्हाट दे आर प्रोग्राम टू डू, सो इट कैन क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. तो ऑटोमेटेड टूल्स अगर हम यूज करते हैं डायनेमिक एनालिसिस में तो वो सब काम नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि वो तो प्रोग्राम जैसे किए गए होंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो लगता है कि इससे क्या हो, फॉल्स रिजल्ट्स जनरेट हो. नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस. तो स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, इट परफॉर्म्स एट नॉन रन टाइम एनवायरनमेंट. तो ये नॉन रन टाइम एनवायरनमेंट में वर्क करता है, यानी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम
we perform static analysis, and after execution of program we perform dynamic analysis. So it performs at runtime. Works on source code पे ये work करता है, works on executed code, जो भी code execute होता है उस पर errors find out करता है. Static analysis क्या होता है, require large amount of time and resources, इसको ज़्यादा time लगता है static analysis को analysis करने में, require less time compared to static analysis, क्योंकि इसमें maximum errors हमें यहीं पर find out करनी होती है, तो इसे ज़्यादा time लगता है और जबकि इसको कम time लगता है. It is preventive action, ये एरर्स को प्रिवेंट करने का मेथड है, और जबकि ये क्या है, इट इज़ ए करेक्टिव एक्शन, कि अगर जो आउटपुट आया है वो गलत आया है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो ये करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करता है, ये प्रिवेंटिव एक्शन. इट प्रोवाइड्स मोर डिफेक्ट्स, इट प्रोवाइड्स लेसर डिफेक्ट्स, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफेक्ट्स फाइंड आउट होते हैं, यहाँ पर कम फाइंड आउट होते हैं. इट इज़ परफॉर्म बिफोर डायनामिक एनालिसिस, इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर स्टैटिक एनालिसिस. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सोर्स कोड, सोर्स कोड पे डिपेंडेंट है, जबकि अगर आपको यहाँ पर डायनेमिक एनालिसिस में सोर्स कोड की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको तो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एरर चेक करनी होती, तो अगर सोर्स कोड नहीं भी बताया गया आपको तो भी आप एरर्स फाइंड आउट कर सकते हो. इट प्रोवाइड एग्जैक्ट स्पॉट इन कोड वेयर देयर इज एन एरर, कहाँ पर एक्चुअल किस लोकेशन पर एरर आया है ये हम फाइंड आउट करते हैं स्टैटिक एनालिसिस में, लेकिन ये हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं डायनामिक एनालिसिस में.